हाउ टू रीड अ वीडियो। अभी तक हमने ये देखा कि किस तरह से इमेजेस को रीड कर सकते हैं, इमेजेस को राइट कर सकते हैं, इमेजेस को डिस्प्ले कर सकते हैं और इमेजेस के ऊपर ड्राइंग कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये यही ऑपरेशंस वीडियोस के साथ कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। वीडियो क्या है? इज़ बेसिकली सेट ऑफ इमेजेस। तो जब हम इन पे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तो सिमिलर टू द इमेजेस करेंगे, लेकिन वीडियो से वन बाय वन फ्रेम्स को रीड करने के बाद करेंगे। वीडियो को रीड करने के लिए सबसे पहले वीडियो का होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमने एक वीडियो अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में प्लेस कर दी है video.mp4 के नाम से। इसे अब हम रीड करेंगे। ओपन सीवी का फंक्शन है वीडियो कैप्चर। इसके अंदर हम एक आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे नेम ऑफ आवर वीडियो। अब हम इसे वन बाय वन फ्रेम बाय फ्रेम रीड करेंगे। सबसे पहले हम एक वाइल की क्लॉज लगाएंगे जो ये बताएगी कि ईदर जो है कैप को हमारा वीडियो मिल गया या नहीं मिला। वीडियो कैप्चर ने वीडियो को फाइंड कर लिया है और इसके पास उसका एड्रेस मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद है, वीडियो एग्जिस्ट करती है, तो वो इस लूप के अंदर जाएगा और यहाँ पर हम फ्रेम बाय फ्रेम रीड करेंगे वीडियो को। कैप डॉट रीड का एक फंक्शन यूज़ करेंगे हम, जो रीड करेगा वीडियो से एक फ्रेम को। रिटर्न में वो रिटर्न करेगा सक्सेस ऑफ द फ्रेम, कि इधर जो हमारे पास फ्रेम आया वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, या उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं, वो वैलिड इमेज है या नहीं है, ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में। और फ्रेम में क्या आएगा, हमारे पास पिक्सल वैल्यूज़ आएंगी इमेज की। सो इफ़ रिटर्न इज़ ट्रू, अगर हमारे पास इमेज वैलिड है तो ही हम उसे डिस्प्ले करना चाहते हैं, अगर इमेज वैलिड नहीं है तो हम उसे डिस्प्ले नहीं करना चाहते। अब हम वीडियो को देखने के लिए उसी तरह से चलेंगे जैसे हम इमेज को देखने के लिए चलते थे, क्योंकि अब हमने वीडियो को कन्वर्ट किया या हम उसे रीड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस। cv.imshow, और चूँकि हम वीडियो रीड कर रहे हैं तो हमने इसका लेबल वीडियो सेट कर दिया और हमारे पास फ्रेम्स आ गए। जिस तरह हम डिले ऐड करते थे वाइल शोइंग एन इमेज कि कितनी देर के लिए इमेज स्क्रीन पर अपीयर्ड रहेगा, इसी तरह हमें वीडियो को डिस्प्ले करने के लिए भी डिले डालने की ज़रूरत है। लेकिन इसके लिए डिले जो है वो हमें बहुत अप्रोप्रिएट चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बहुत थोड़ा डिले रखेंगे तो वीडियो बहुत फास्ट चलेगी, हम बहुत ज़्यादा डिले रख देंगे तो वीडियो बहुत स्लो चलेगी। तो इसके लिए एक अप्रोप्रिएट मिडल वैल्यू चूज़ करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे चूज़ करूँगी 25। इट वर्क्स इन मैनी ऑफ द केसेस, नॉर्मल वीडियोज़ आपको चलाने के लिए 25 का डिले इज़ अनफ। सो हमने जब तक वीडियो में कुछ है, जब तक वीडियो कंप्लीट नहीं होती तब तक हम वीडियो को रीड कर रहे हैं, फ्रेम बाय फ्रेम डिस्प्ले कर रहे हैं, और आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ दिस लूप अब हम चाहते हैं कि अपनी मेमोरी को रिलीज़ कर दें, जो मेमोरी इसने ऑक्यूपाई की थी कैप्चर ने, वीडियो कैप्चर ने, और जो मेमोरी ऑक्यूपाई की थी डिस्प्ले करने के लिए इमेजेस ने, उन्हें हम रिलीज़ कर दें। उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे कैप डॉट रिलीज़ और cv.destroy all windows। नाउ वी विल सी कि हमारे पास कैसी वीडियो आती है। सो दिस वॉज द वीडियो वी हैड, वो चल चुकी है, हम कर देंगे। दिस वॉज अ सिंपल फ्रेमवर्क टू रीड अ वीडियो एंड टू डिस्प्ले अ वीडियो। थैंक यू।